ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसे हमने चेक करना है कि क्या ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। हम जब इवन फंक्शन या ओड फंक्शन का पता लगाते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ओड, तो हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करने से बाहर माइनस एक्स आ गया तो वो ओड फंक्शन होगा। अगर माइनस एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने से पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ गया तो वो इवन फंक्शन होगा। तो जिस तरह एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया, माइनस एक्स बाहर, ये वाला मतलब ऊपर इवन है तो इसने पॉजिटिव बना दिया एक्स को, तो क्योंकि माइनस एक्स बाहर आ गया है तो एफ ऑफ एक्स दिस इज़ एन ओड फंक्शन। आगे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। एक्स उन्होंने कहा है कि इक्वल नॉट माइनस वन, क्योंकि अगर माइनस वन के इक्वल अंडर रूट के नीचे जो माइनस एक्स पुट करते, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करते तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता, इसलिए उन्होंने ये बताया हुआ है। एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, क्योंकि हमने चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ओड है। एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस किया, ये देखें यहाँ ये दोनों माइनस के हो गए, तो ये ऊपर भी माइनस आ रहा है और नीचे भी, मतलब फंक्शन को उसकी फंक्शन की अलामत ही चेंज हो गई है, इसलिए नीदर इवन नॉर ओड फंक्शन है ये। मतलब एक एक्स ये फंक्शन को तो ना, फंक्शन के साइन तो ना चेंज होते, इसे ऊपर मतलब जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और बाहर भी एक नेगेटिव आ गया, मतलब दो दो नेगेटिव दिए हुए हैं, तो नीदर इवन नॉर ओड फंक्शन है ये। और इसमें देखें ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स, इसको भी चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ओड। मैंने एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस किया, टू बाय थ्री, टू बाय थ्री का मतलब होता है एक स्केयर है और दूसरा वन बाय थ्री भी साथ है, तो स्केयर क्योंकि जहाँ पे इवन नंबर होते हैं तो वो माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया है एक्स स्केयर ओवर थ्री, वन बाय थ्री मतलब जब एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस किया तो वो एक्स पॉजिटिव दोबारा आ गया, मतलब फंक्शन पॉजिटिव आ गया। तो एफ इज़ एन इवन फंक्शन। थैंक यू।